ये रहा वीजा। बड़ी खुशी होती है ना जब पहली दफा लग जाता है। अभी पहला वीजा लगा कभी इंटरनेशनली ट्रैवल करा? इंटरनेशनल से दुबई और उमरे भी गए थे। अच्छा, दुबई और उमरे जा चुके हो। मुझे ये बताओ कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? मैंने इंटर में किया है मेडिकल में। इंटर मेडिकल में परसेंटेज 58। और आप लैंग्वेज पे जा रहे हो तो आपने A1 A2 करा था? A1 क्लियर किया था, A2 में रह गया था, फिर दोबारा अटेम्प्ट में एग्जाम दिया बस। अभी तक रिजल्ट नहीं आया उसका? उसमें भी रह गया हूं मैं दोबारा। अच्छा, दोबारा रह गए हो और वीजा आपका आ गया है। जी। और आप कौन से कोर्स में जा रहे हो वहाँ पे? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मेडिकल वाले बच्चे जा सकते हैं या नहीं, बायो के कोई कोर्स है या नहीं, तो आपका शुरू से ये प्लान था? क्योंकि आपके वाले साहब तो वकील हैं, तो आपने वकालत नहीं चूज करी? No. आपने बोला नहीं बायो पढ़ना है। अच्छा, आपने पढ़ना क्या है आगे, क्या प्लान है? यही बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ही शौक है, चलो उसी में आपका एडमिशन हो गया, वेरी गुड। अभी आपने A1 क्लियर करा है, A2 आपका क्लियर नहीं हुआ। A2 के बगैर वीजा लगेगा या नहीं, करना पड़ेगा या नहीं? तो मेरा जवाब यह है कि भाई आप A2 करो लाजमी। इससे भी दो दफा पेपर दिलवाया A2 का, तो अब रह गया किसी वजह से, बच्चों को आजकल क्रिकेट भी तो खेलना होता है ना हर वक्त। क्रिकेट खेलते हो, क्या खेलते हो? मैं तो घर में। अच्छा, घर में ही होते हो, फिर भी नहीं क्लियर हुआ A2? नहीं, वैसे मैंने बीच में से स्टार्ट किया था, A1 का पेपर हो रहा था, A2 की क्लास स्टार्ट हो गई। सही है, तो शुरू के टेंसेस में वो समझ नहीं है। हाँ सही है भाई। खैर, आप अपना प्रोसेस कब कांटेक्ट किया था आपने हमें? मैंने इंटर के जैसे ही पेपर हुए थे जुलाई में या जून में, उसके बाद अब फराज भाई से रब्ता किया। और तकरीबन अब हो गए कोई 7-8 महीने हो गए जी। आपका प्रोसेस 7-8 महीने में हो गया है कम्प्लीट? ठीक है, क्या एज है आपकी? मेरी 19 है भाई। अपना प्रोसेस बताओ थोड़ा सा कि बायो क्योंकि आपने करा है, ये इम्पोर्टेंट चीज है, सब यही देखने के लिए वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो बताइए आप अपना प्रोसेस। मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये चूज किया क्योंकि आगे आपको पता है कंप्यूटर साइंस AI का दौर चल रहा है, तो MBBS मैंने बोला वो बाद में चलेगा, AI वाला सिस्टम, इसमें बायो कंबाइन है कंप्यूटर साइंस। हाँ बिल्कुल है, तो इसको मैं पढ़ूंगा, तो इसका आगे बोला बहुत स्कोप है। सही है। अच्छा, अब सेकंड सवाल मेरा ये है कि आपके इंटरव्यू थोड़ा सा अलग तरीके का हुआ था, ठीक है, वीजा इंटरव्यू, तो वीजा इंटरव्यू के बारे में भाई आप अपने बताइए। पहले मैं गया, मैं काउंटर नंबर 2 पे नाम आया, तो उधर गया, लोगों ने बोला आप 4 पे दो, बैचलर्स के लिए अप्लाई किया म्यूनोलॉजी, वहाँ पे दिया, लोगों ने यही बेसिक सवाल पूछे, बैठा बैठा आधा घंटा हो गया, पौना घंटा उधर ही बैठा हुआ था। सही है। अब उन्होंने बोला फीस जमा कराओ। हाँ। फीस के लिए पैसे चेंज लेने बैठ गया, अंदर आया बैठा, तो काउंटर नंबर 3 पे भाई ने बुलाया, बोला आप जर्मन में इंटरव्यू दो। जर्मन में आपकी 75 यूरोज है ना वीजा इंटरव्यू की? हाँ। फिर जर्मन में, तो मैं समझा मेरा इंटरव्यू हो गया, मैंने उनको मना किया, मैंने बोला मेरा इंटरव्यू हो गया। अच्छा, तो भी उन लोग का भी थोड़ा वो हो गया था, तो उन लोगों ने माइक में अनाउंसमेंट किया मेरा नाम, फिर मैं और घबराहट में आ गया, बोला आपने इंटरव्यू क्यों नहीं दिया था जर्मन में। हाँ। बैठा लोगों ने, फिर वेटिंग में बैठा दिया, आधा घंटा वेट किया, फिर बुलाया, बोला मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ आपका। अच्छा, काउंटर नंबर 3 पे। सही है। फिर मैंने सॉरी किया, मैंने बोला मेरे को मालूम नहीं था कि जर्मन में देना है, बोला मैं नहीं ले रहा, दो बार सॉरी किया, फिर लिया, नाम पूछा, फिर जब उन्होंने फ्यूचर प्लान जर्मन में पूछा, उसमें मैं अटक गया। जर्मन में ही आपका पूरा इंटरव्यू जर्मन में हुआ? भाई देखो, ये इससे गलती हो गई, इसको लगा इंटरव्यू हो गया, घबराना नहीं है, इसने क्या किया, सॉरी बोला फौरन और घबराया नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है फौरन। उसके बाद उन्होंने ये लिया, सवाल पूछा वरुम डॉयचलैंड वरुम दास यूनिवर्सिटी, अब इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इसका आंसर कैसे हुआ, इंग्लिश में दो, तो बोले नो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में एक वर्ड भी नहीं बोलना आपको। सही है। फिर बोला मैं वो लेटर लिख के दो 70 वर्ड का, जो जो सवाल पूछे सबका जवाब होना चाहिए। ठीक है। और लेटर तो मैंने तैयारी की हुई थी अच्छी से। हाँ। मैं गया, बोला मेरे सामने लिखो और एक वर्ड भी इंग्लिश का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैंने लिखा, सब बराबर में स्टूडेंट भी देख रहे थे, बोले ऐसे लेटर जर्मन में ही आप लिख रहे हो? ठीक है। एडवांस जर्मन लिखी थी, उस पर ट्रांसलेट, तो लेटर जमा करा, बोलते लेटर आपने बहुत अच्छा लिखा, आपने लैंग्वेज कहाँ तक की है? मैंने बोला A2 तो लैंग्वेज की है, A2 का एग्जाम दे के अभी आया, रिजल्ट आया नहीं। सही है। बोला आपने लेटर बहुत अच्छा लिखा है, फिर काउंटर नंबर 4 पे ही भेज दिया लेटर दोबारा, बोला इसका हो गया। ठीक है। उन्होंने फीस जमा की, बोला आप जाए, आपको 4 से 5 वीक में ईमेल आ जाएगी। सही है। मैं चला गया, फिर इंतजार, बोला फराज भाई ने बोला 10 दिन इंतजार करो, रिजेक्शन आनी होती है 10 दिन में आती है। सही है। 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते के फौरन बाद ईमेल आई। अच्छा,
आपकी पैक हो गई होगी। अरे वाह, यही बोल दिया उन्होंने क्लियरेंस, वरना तो बंदा डर जाता है। क्योंकि मेरे को पहले भी आपके एक वीडियो देखे क्लियरेंस आने के बाद भी रिजेक्शन दे दी थी, मेरा यही घबरा। वो तो गलती हो गई थी एम्बेसी से। मैं अक्सर वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे, अब आप जर्मन में आपसे मोटिवेशन लेटर लिखवा लिया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने कोई वीडियो, शायद फर्स्ट वीडियो है जो जिसमें मैं ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ, मगर भाई वो उनके ऊपर होता है, एम्बेसिडर के ऊपर। आप अपनी तरफ से बेहतरीन तैयारी करके जा सकते हो, मगर इन दी एंड एम्बेसिडर के ऊपर है या इंटरव्यूअर के ऊपर है कि वो कैसा आपसे इंटरव्यू ले। वो आपसे जर्मन में भी लिखवा सकता है, जर्मन में भी पूछ सकता है। वैसे गलती हो गई पहली दफा, अगर ये बोलता ना ले लो इंटरव्यू, तो हो सकता है इसको इतना तंग नहीं करते होंगे। और कोई उन्होंने सवाल पूछा आपसे जर्मन में के ये बताओ, या सिर्फ यही वरम डॉयचलैंड वरम, फेवरेट खाना क्या है, आपका नाम बताया, लिविंग, बेसिक सवाल मतलब पूछे। अच्छा, वो आपने सारे जवाब दे दिए। एक इम्पोर्टेंट सवाल, ये जो मोटिवेशनल लेटर आपको 70 वर्ड्स का बोला होगा लिखने का ना, आपने लिखा कितने का? 250-300 लफ्ज का लिख दिया, तो इसकी तैयारी कैसे करी? इसकी वो जो मैंने इंग्लिश में लेटर तैयार किया था ना, उसको मैंने गूगल पे ट्रांसलेट किया पूरा। ठीक है, वो ट्रांसलेट पे कॉपी में लिखा, उसको एक एक पैराग्राफ शॉर्ट करके लिखा, जो मेन मेन के जर्मनी क्यों चूज किया, यूनिवर्सिटी के बारे में, घर पे ही अपने टीचर प्लान क्या था, यूनिवर्सिटी के बारे में लिखो, पहले क्या करोगे लैंग्वेज, ये सब मैंने उसमें लिख दिया, इंट्रोडक्शन भी दे दिया अपना। सही है, और पैराग्राफ बना बना वो याद कर लिया और फिर वही जाके छाप दिया। कैमरा की बैटरी खत्म हो गई तो इसलिए हमने इस पे स्विच कर लिया, शायद ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो। खैर, अच्छा आपने वो ही वहां पे जाके छाप दिया। ठीक है, तो भाई ये आप लोग भी कर सकते हैं वैसे, जो भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो भी मोटिवेशन लेटर्स देने होते हैं ना, वो तो हम लिख के जमा करवा देते हैं और आपकी करवा, हमने तो आपसे कोई नहीं मांगा था। वो जो एम्बेसी में लिखना होता है ना लेटर, वो बच्चे को खुद तैयारी करनी पड़ती है। हम बस बता सकते हैं ये पूछेंगे वो। अब वो एम्बेसडर बोले जर्मन में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो, उसकी तैयारी आपको घर पे करना लाजमी है और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज, पहली दफा दिया लाइफ में इंटरव्यू, कभी जॉब वॉब तो नहीं की ना, मगर आपका हो गया। और कभी भी नर्वस नहीं होना, अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना, जैसा आपने नहीं किया था। अच्छा, और कोई इम्पोर्टेंट बात जो पूरे प्रोसेस के बारे में आप शेयर करना चाहो? पूरे प्रोसेस के बारे में इम्पोर्टेंट बात नहीं, ज्यादातर आपके अब्बू ने, इनके वाले साहब, पेरेंट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ना वो पीछे लगे रहते हैं। कभी कभी मैं जब छोटा था ना, मुझे समझ नहीं आता था यार क्यों पीछे लगा रहता है ये आदमी, अब समझ आता है कि नहीं यार वो हमारा ही भला चाहता है। तो आपके वाले साहब तो खैर कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव हैं। मैंने तो मेरे को लेटर की बहुत तैयारी इंग्लिश में कराई थी, क्योंकि लास्ट इंटरव्यू दिया तो फड़ा देने वाला, आप जर्मन में भी हो सके तो तैयारी कर। तो फिर मैंने सुबह सुबह बैठ के जर्मन में तैयारी की। चलो, वो पक्का पक्का था लेटर, वही लिख लिया मैंने वहां जाके। बस जबरदस्त, आपने अच्छा इंटरव्यू वाले दिन ही ये याद किया लेटर सुबह सुबह, और 250 लफ्ज का आप लिखा है वहां पे। सही है, हमने कई तरीके के स्टूडेंट्स को भेजे हैं, आपको पता ही है ये बात। आपको मैं कहां से मिला था? YouTube से जी। आपने ही रابطہ करा था? आप लोग भी भाई इन लिंक्स के थ्रू मुझसे रابطہ कर सकते हैं। बहरहाल आपको वहां हर तरीके का इंसान मिलेगा, मगर आपने डिसाइड करना है कि आपने कैसे दोस्त बनाने हैं। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही मूव्स विद, तो अच्छे दोस्त बनाने हैं, अच्छे तरीके से वहां पढ़ाई करनी है। अगर आपने ये 4-5 साल, अब क्योंकि आप तो अब बने होंगे वहां पे, तो अगर आपने ये 4-5 साल मेहनत कर ली ना, तो फिर आपकी लाइफ सेट है जी। ये 4-5 साल बस आपने पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे देना है। ठीक है, और कोई बात जो अगर आप शेयर करना चाहो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और कोई बात अगर आप शेयर करना चाहो? शुरू में तो मैं बहुत ही नर्वस था। हाँ। एक सवाल का जवाब नहीं बोला जाते। फराज भाई ने इंटरव्यू की 3 दिन के सेक्शन लगा के तैयारी करवाई अच्छी। अच्छा अच्छा, उस तैयारी से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा था, तो मैं वहाँ, क्योंकि कभी आपने इंटरव्यू दिया नहीं ना। मैंने पता है अपने इंटरव्यू की कैसे तैयारी करी थी, उस टाइम तो नहीं था कोई भाई, कोई आस्क अबाउट यूरोप वगैरह नहीं था, मगर फिर मैंने ये करा था कि मैं यूट्यूब पे ना, उस टाइम यूट्यूब पे भी वीडियोस नहीं होती थी, कुछ गोरों की अमेरिका के इंटरव्यू की वीडियोस थी, कुछ चाइनीज लोग जैसे दे रहे हैं, या कोई ऐसे गोरे दे रहे हैं, जर्मन लोग दे रहे हैं, अमेरिका का वीजा इंटरव्यू या पीआर का इंटरव्यू, उनकी परमानेंट रेजिडेंसी का, सिटीजनशिप का। तो वो मैं लिखता जाता था, मैं गूगल पे सर्च करता रहता था डिफरेंट फोरम्स के, भाई क्या क्या सवाल पूछता है। अब तो मैं हर वीडियो में ही बच्चे से पूछूं कि भाई इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो ऐसे मैंने तैयारी करी थी। तो आप देखें, जो बच्चे हमारे स्टूडेंट भी आते हैं, जैसे आप हमारे, हम सिर्फ तैयारी करवा सकते हैं आपकी, वहां जाके जो करना है आप ही ने करना है भाई। डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए, फाइल तैयार करवा दी, ब्लॉक अकाउंट खुलवा दिया, सब कुछ हो गया, अब इससे ज्यादा तो इंटरव्यू की तैयारी करवा दी, अब तो आपने जाके करना है। वीजा इसलिए भी जल्दी आया क्योंकि फाइल भी स्ट्रांग थी, ऊपर मोटिवेशन लेटर ही आपके सामने। हाँ, मोटिवेशन, सही बात है, मोटिवेशन लेटर आपने अच्छा लिखा। ऑल दो देखो भाई, ये मोटिवेशन जैसे वीजा इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू दिया ना, आपको एम्बेसडर देख रहा है, वो अपनी रिकमेंडेशन लिख देगा, इंटरव्यूअर जो है
ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये वो है, मगर जो मोटिवेशन लेटर है ना वो जर्मनी जाना है आपका, और वहां पे जाके वो मोटिवेशन लेटर बात करेगा, वहां तो आप हो नहीं बात करने के लिए, तो वो आपका अच्छा होना चाहिए, जितना बेहतरीन आप दे सको वो अच्छा होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर फिर भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और उस पर भी आपको टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है आपके डॉक्यूमेंट्स अगर परसेंटेज या फेल हो आधे सब्जेक्ट में, तब तो फिर भी वीजा नहीं लगेगा, बेचो गोल्ड के पेन से लिख दो आप मोटिवेशन लेटर, मगर आपको उस पर तैयारी करना चाहिए। बहरहाल और तो मेरा कोई सवाल नहीं था आपसे, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, एंजॉय करो अब आप जर्मनी जाके, 25 तारीख को आप फ्लाई कर रहे हो। मगर अगर आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं भाई, तो ये रहे लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप लोग आस्क अबाउट यूरोप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या क्लास बुक कर सकते हैं एलएनडी के थ्रू मुझसे बात करने के लिए। और अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल है तो पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना, पीस आउट, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस, बहुत मेहनत, कितने 8 महीने लगे ये वीडियो रिकॉर्ड करने में, 8 महीने की मेहनत हो भाई आप मेरी, वो तो शुक्र है इंटरव्यू के लिए मान गए, ज्यादा लोग तो मना कर देते हैं।